गोवा में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सबको हैरत में डाल दिया है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से कैसे हो सकती है। वहीं अब सोनाली के परिजनों की ओर से भी कई सारे खुलासे किए जा रहे हैं, जिससे सोनाली की मौत पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस बीच बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने भी सोनाली की मौत को लेकर अब एक सवालों का घेरा खड़ा कर दिया है। वत्स ने कहा है कि फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर पिछले दिनों जिस तरह से सोनाली ने अपने बयानों से दिल्ली के हिलने की बात कही थी, वो बयान एक तरह से उनकी हत्या की ओर इशारा करता है। वत्स ने कहा इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकता है। उन्होंने कहा सोनाली की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सोनाली फोगाट की मौत से रहस्य का पर्दा उठ सकता है। जिस प्रकार से आज हमारे बीच में नहीं रही सोनाली फोगाट जी, मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके पूरे परिवार को संवेदना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो संकट इस परिवार पर आया है, क्योंकि देखिए एक बहुत छोटी बेटी है, उस संकट को सहन करने की शक्ति दे। जहां तक जो मामला सामने आया है, मैं एक बात कहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। पूरा परिवार जिस प्रकार से, वो कल से मैं भी बयान देख रहा हूँ, बता रहे हैं कि उसके खाने में कुछ ना कुछ दिया गया है, उन्होंने अपनी माँ से फ़ोन किया, अपनी बहन से फ़ोन किया, तो इसकी कहीं ना कहीं इसमें डाउट है, तो इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए। आज बताते हैं कि उसके पीए का ने उसके लैपटॉप से पूरा डाटा गायब है, उसका पीए गायब है, वो कई अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा कोई ना कोई मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए जिस प्रकार से सोनाली जी फेसबुक पर भी बोल रही थी, उसके ट्विटर हैंडल पर भी चेक करो आप, तो कहीं ना कहीं उसने कहा था कि मेरे बहुत ऊपर तक मेरे हाथ हैं, और बोली मैं जब बोलूँगी तो दिल्ली तक लोग हिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीतिक भी हो सकता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो इसमें देखिए आज मैं कह दूँ कि इसमें कोई किसी का है, पर वो जब जाँच होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आज साफ हो गया कि वो उसकी मौत हुई नहीं, उसको मारा गया। दरअसल कुलदीप वत्स झज्जर में अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। वही इस दौरान वत्स ने प्रधानमंत्री के फरीदाबाद दौरे को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को आशा थी कि शायद पीएम हरियाणा के लिए कोई बड़ा पैकेज घोषित करने वाले हैं, लेकिन ये भी एक जुमला ही साबित हुआ। देखिए नरेंद्र मोदी जी को तो इस देश ने बहुत उम्मीद थी, पहले तो इस देश को चला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात थी, काला धन वापसी की बात थी, विकास की बात थी। आज उसी प्रकार से हरियाणा को उम्मीद तो थी, उम्मीद तो बहुत कुछ थी, पर उम्मीद के नाम से ये तो लोगों को छलने का काम करते हैं। और आज वो फरीदाबाद के अंदर जो उन्होंने उसकी बातों से लगा, जो पैकेज देने की बात आ रही थी कि भाई मोदी जी आ रहे हैं हरियाणा को, कोई विशेष पैकेज दे के जाएंगे, कोई किसान के पैकेज देंगे, कुछ नहीं, इनका पूरा ही काम छलने का, और ये छलने के अलावा इनका और कोई काम नहीं, झूठ, जिसे इनको कहते जुमले, जुमलों को। वहीं इस दौरान कुलदीप वत्स ने सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में की जा रही तालाबंदी को लेकर सरकार को घेरा। वत्स ने कहा कि भाजपा की गठबंधन सरकार शिक्षा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। मेरे बादली हलके के भी कई स्कूल पे ताला लगा दिया, और मैंने तो हैरानियत की बात ये है मीडिया के साथियों कि 5-7 दिन पहले आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो सिकंदरपुर गांव में आए और स्कूल को मॉडल संस्कृति मॉडल स्कूल करके गए, ओम प्रकाश जी भी साथ अध्यक्ष जी, और 5 दिन के बाद ही वहाँ के 5 शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया। तो ये कौन सी बातें लोगों को कर रहे हैं। मेरा लगरपुर में कल मेरे से गुभाना के लोग मिले थे, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। आज मैं सिकंदरपुर गया हुआ था, तो पूरा सिकंदरपुर गांव में रोष है कि भाई हमें तो मांगा था कुछ, मांगा तो संस्कृत मॉडल स्कूल की घोषणा, पर हमारे 5 टीचरों को भी ले गए। तो ये पूरी शिक्षा नीति को, हरियाणा की शिक्षा नीति थी, जो गरीब का, मजदूर का, किसान का जो बेटा पढ़ सकता था, आज उनको मारने का काम किया गया। वत्स ने कहा कि इससे बढ़कर और चिंता का विषय क्या होगा कि स्वतंत्रता दिवस पर बादली के सिकंदरपुर स्कूल में पहुंचकर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अगले 2-3 रोज में ही इस स्कूल के 5 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया। झज्जर से दिनेश महरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।